राम राम किसान भाइयों, तिवारी जी की लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, तो अभी हम अवेलेबल है उज्जैन में कुवेर ट्रैक्टर्स पर, तो हमारे सभी महाकाल भक्तों को जय श्री महाकाल। और किसान भाइयों, आज आपके सामने पेश है बहुत ही शानदार जानदार ट्रैक्टर आइसर 380, जो हमारे छोटे लेवल किसान भाई है वो भी प्राइम अगर खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए 380 बहुत अच्छी चॉइस हो सकता है। तो किसान भाइयों, अगर इस ट्रैक्टर की बात करें तो काफ़ी शानदार ट्रैक्टर आता है। अगर फ्रंट से बात करें तो आपको इसके अंदर देखिए यहाँ पर आइसर की बैजिंग मिल जाती है, क्रोम फिनिश के साथ में 1-2-3 मतलब एक तरीके का G3 है। उसके अलावा यहाँ पर प्राइमा G3 की बैजिंग मिल जाती है, लाइट्स बहुत शानदार मिल जाते हैं, बम्पर काफ़ी अच्छा मिल जाता है, हैवी बम्पर मिल जाता है, फ्रंट में जालियाँ मिल जाती हैं। यहाँ भी देखिए आप, यहाँ पर ट्रैक्टर को सुंदरता बढ़ाने के लिए यहाँ पे रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन रखा है, ड्यूअल टोन आप बोल सकते हैं इस ट्रैक्टर को, काफ़ी शानदार है। उसके अलावा डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग में ट्रैक्टर मिल जाएगा। टायर साइज की बात करें तो 6-16 का आगे टायर मिलेगा, 14-28 का पिछला टायर मिलेगा। तो किसान भाइयों, काफ़ी शानदार चीज़ है। उसके अलावा हम अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आइसर की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर आपको ड्यूअल येलो कलर, व्हाइट कलर, रेड कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है जो काफ़ी शानदार लगता है। उसके अलावा यहाँ पर 380 बैजिंग 5-स्टार जो काफ़ी शानदार चीज़ है। उसके अलावा लाइटिंग, जैसा मैंने बताया कि अपन इसमें लाइट में और भी सुधार हो सकता है वो कर सकती है कंपनी। उसके अलावा यहाँ पर 380, और अगर बात करें यहाँ पर बॉल्ब की तो आपको सिंगल एक्टिंग बॉल्ब मिलने वाला है जो काफ़ी शानदार एक्स्ट्रा लाइट के लिए मिल जाएगा। साइड शिफ्ट आपको गियर मिल जाएंगे इसके अंदर, बैटरी आपको साइड में रखी हुई मिल जाएगी, फ्रंट में नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें थी इसका वॉक अराउंड प्रोटेक्शन के लिए। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोटेक्शन दे के रखी है, यहाँ पर यह भी काफ़ी शानदार चीज़ है। अब हम एक्सेस करते हैं इसका बोनट और जानते हैं इसके इंजन के बारे में। किसान भाइयों, बात करें इसको बोनट को खोलने की तो फ्रंट से नहीं है, साइड से इधर से खुलेगा, मैनुअल खुलता है, हाथों से खुलेगा। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं फ्रंट से, यहाँ पर आप देख लीजिए वायरिंग के लिए, लाइट वायरिंग के लिए काफ़ी शानदार यहाँ पर आपको दी है, प्रोटेक्शन दी है। फिल्टर की बात कर लें तो ऑयल टाइप का फिल्टर आपको मिल जाएगा, वाटर कूल्ड इंजन मिल जाएगा आपको इसके अंदर। उसके अलावा सिम्पसन कंपनी का खुद का इंजन मिलता है जो आपको 3 सिलेंडर इंजन इनलाइन पंप के साथ में 2000 RPM पे और 2500 CC इंजन मिलेगा और 40 HP का इंजन आपको शुद्ध मिलेगा और 44 HP की कैटेगरी में इसको रखा गया है जो काफ़ी शानदार चीज़ है। उसके अलावा सिम्पसन कंपनी का इंजन काफ़ी विश्वासपात्र इंजन होता है, वो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए काफ़ी मस्त इंजन है यहाँ पर कंपनी ने बनाया है। 3 सिलेंडर इंजन है, यहाँ पर आपको अलग अलग पिस्टन मिल जाएंगे। और अगर बात करें फ्यूल टैंक की तो 50 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिल जाएगा, कोई समस्या होने वाली नहीं है। और किसान भाइयों, एक बार आप और इंजन को ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए इसको किस तरीके से बनाया है। अब चलते हैं किसान भाइयों, आ गए हैं सीट पर, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है भैया, आप इसको आगे पीछे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके अलावा किसान भाइयों, बात कर ले इस ट्रैक्टर के बारे में तो आपको ड्यूअल क्लच मिल जाता है इसके अंदर, OIB ब्रेक आपको मिल जाएंगे। और अगर बात करें डैशबोर्ड के बारे में तो आपको इसके अंदर मैनुअल और डिजिटल मैं दिखाना चाहूँगा आपको, इसके अंदर आपको, मैं इसको बंद करता हूँ, तो इसके अंदर आपको यहाँ पर देखिए मैनुअल और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा 380 में के अंदर। स्टेयरिंग की बात करें तो काफ़ी शानदार आपको स्टेयरिंग मिल जाएगा, यहाँ पे हॉर्न मिल जाएगा, यहाँ पे हॉर्न मिल जाएगा, स्टॉपर बटन आपको यहीं मिल जाएगा पास में, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, पार्किंग लाइट मिल जाएगी और कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको, यहाँ पर लाइटिंग कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिल जाएगा, हैंड एक्सीलेटर यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा गियर की बात कर ले किसान भाइयों, तो इसके अंदर आपको हाई लो के अंदर 8 फॉरवर्ड मिलेंगे और 2 रिवर्स मिलने वाले हैं, टोटल आपको इसके अंदर 10 गियर मिलने वाले हैं किसान भाइयों, काफ़ी शानदार है। और इसके अंदर कॉन्स्टेंट में से आपको गियर बॉक्स मिलने वाला है, और यहाँ पर आपको PTO लीवर दिया है, ये भी काफ़ी शानदार चीज़ है अलग से। और अगर बात करें यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, ये आपको यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाएगा, पॉकेट मिल जाएगा, ये भी काफ़ी शानदार इस ट्रैक्टर के अंदर, इस कैटेगरी में काफ़ी शानदार चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पर किसान भाइयों टूल बॉक्स मिल जाएगा आपको। तो 10 गियर मिलने वाले हैं, 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स। अब हम चलते हैं बैक में, जानते हैं इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी और जानेंगे इसका PTO पावर कितना है, SFC कितना है, वो भी हम चीज़ जानने वाले हैं। तो भैया, काफ़ी शानदार ट्रैक्टर अपने सेगमेंट में माना जाता है, 380, 40 हॉर्स पावर, 44 की कैटेगरी,
बात कर लेते हैं इसके लिफ्टिंग के बारे में। तो आपको 1650 केजी का वजन ये ट्रैक्टर आसानी से उठा सकता है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। उसके अलावा इसके अंदर आपको सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व मिलता है, एक्स्ट्रा लाइटिंग के लिए यहाँ पर मिल जाता है। अब हम और 540 आरपीएम पे आपका पीटीओ चलने वाला है, कोई समस्या होने वाली नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एसएफसी के बारे में और इसके पीटीओ एचपी के बारे में। अगर किसान भाइयों बात करें इसके पीटीओ एचपी के बारे में, तो इसके अंदर 35.2 एचपी का पीटीओ पावर मिलता है, और एसएफसी की बात करें तो इसके अंदर 194.9 ग्राम पर एचपी एसएफसी आपको इसका मिल जाता है, जो काफ़ी शानदार चीज़ है। आप एसएफसी से पता चला सकते हैं ट्रैक्टर के डीजल खाने की क्षमता, तो दोनों काफ़ी शानदार चीज़ है, आपको मिल रहा होगा। उसके अलावा किसान भाइयों बात करें इसके प्राइसिंग की, तो काफ़ी शानदार प्राइस है। 735 में आपको 14 के टायर के साथ में ट्रैक्टर मिलने वाला है, जी ओ भी लगे हुए हैं, और अगर 13 के आप टायर लगवाते हो तो 711 मिलने वाला है। उसके अलावा आप आओ डीलरशिप पे बैठो, क्योंकि बिना मान सम्मान के कोई सौदा होता नहीं। भैया आपको ही बता दें, एक हमने अप्रोक्सीमेट प्राइस बता दिया, वो तो आप यहाँ पे आके शर्मा जी से चौहान जी से जितने कम हो करवा लो, कोई समस्या होने वाली नहीं है भैया। तो बस आज के लिए इतना ही, काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है छोटे सेगमेंट में और सुंदर है, बोलते ना छोटा लगता नहीं है, आपको बड़ा ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप 40 HP का चला रहे हो, आपको लगेगा 50-60 HP का ही ट्रैक्टर हम चला रहे हैं। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, थोड़ा लाइटिंग में सुधार कर ले, और इसका बोनट भी फ्रंट से खुलने वाला दे दे भैया, हाइड्रोलिक वाला, क्योंकि काफ़ी हैवी बोनट है, आगे से उठाने में थोड़ी समस्या होती है। ये कंपनी को मेरा सजेशन है, बाकी आपने बहुत अच्छा बनाया, सैमसंग का इंजन लगाया है, कोई समस्या ट्रैक्टर के अंदर नहीं है। ये दो चीज़ों में थोड़ा सा और काम कर ले, पचकेगा नहीं, ठीक है। तो भैया आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राम राम जी, जय श्री माता।